हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आईफोन 12 पर है और ऐसे विषय में बात करेंगे जो आईफोन 12 के अंदर हर किसी के फोन के अंदर आने वाली है। दोस्तों, जैसे इसके अंदर ये एप्पल लोगो आया और एप्पल लोगो आने के बाद में इसमें दिखना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसी ये प्रॉब्लम है। जैसे आपको अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट इसके अंदर डिस्प्ले कि लाइट उड़ चुकी है। डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, जैसे आप ये देख सकते हो। इसके अंदर में आपको ये आपको दिख रहा है, जैसे ये पेटीएम है, इसके जस्ट साथ में फेसबुक है, लेकिन इसके अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये भी एक प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे कि ये प्रॉब्लम जो आ रखी है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम है या क्या ये प्रॉब्लम है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रखी है। आज पूरी इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात कर लेते कि ये प्रॉब्लम आती कैसे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर से रिसीवर से पानी में जाने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। कई लोगों के मैंने ये चीज़ की सॉल्यूशन निकाल चुका हूँ, मैं इसको रिपेयर कर चुका हूँ, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो दिखी है वो ऊपर से या तो किसी का ब्रोकन हो जाता है जब ये प्रॉब्लम आती है, नहीं तो अधिकतर केस में आपका ऊपर से पानी, रिसीवर से पानी जाने के बाद ही ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, इसको ये जैसे देख सकते हो, मैंने इसको पहले ही ओपन कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब जैसे देख सकते हो, मैंने डिस्प्ले को ओपन कर लिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसका फोल्डर चेंज करा, ये GX मॉडल मैंने इसके अंदर लगाया, बहुत अच्छी क्वालिटी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस वीडियो का भी आपको लिंक दे दूंगा, जो मैंने आपको कितने प्राइस में मैंने लगाया। तो चलिए, इसको सेंसर को हम इसको बाहर निकालते हैं। ये रिसीवर का पत्ता है। दरअसल इसके अंदर तीन चार चीज़ें होती है, माइक होता है इसके अंदर और ये सेंसर है। मैं सेंसर को इसके हटा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद में भी सॉल्यूशन नहीं निकला। जैसे ये फेस आईडी का, जो हमारे फेस को डिटेक्ट करता है, ये पॉइंट भी मैंने हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। तो दोस्तों, इसको सेंसर को निकालने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। मैं नया एक ओरिजिनल मेरे पास सेंसर है और ये मेरे पास अवेलेबल है, और भी किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रखी है अगर इससे रिलेटेड, तो मैं आपको सेंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा ओरिजिनल स्पीकर के साथ। तो इसको लगा के देखते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व होती है या नहीं होती। दरअसल इसी से ही सेंसर हमारा डिटेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने काफ़ी काम करके देख चुका हूँ इसके अंदर कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है। मैं चाहता था कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको भी बताऊँ, क्योंकि ये दरअसल ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं है, पुराना फ़ोन भी नहीं है, 3 महीने पुराना फ़ोन था और पानी में लेके गया, रिसीवर से पानी गया, सेंसर में पानी गया, सेंसर शॉर्ट हुआ और उसके बाद में डिस्प्ले इसकी उड़ गई। तो दोस्तों, जैसे ये ऑन करते हैं इसको, और अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। और जैसे ये देख सकते हो, ये एप्पल लोगो तक तो पहले भी आ रहा था, उस सेंसर के अंदर भी एप्पल लोगो तक तो आता था, अब उसके बाद में जाके डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आती थी। जैसे ये देख सकते हो, ये देखो, ये पूरी प्रॉपर डिस्प्ले आ चुकी है और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सेंसर की प्रॉब्लम थी। और सेंसर पानी में जाने से ये सेंसर ख़राब हो जाता है, वर्क नहीं करता। अगर आपको भी अगर ऐसे ही अगर आपके फ़ोन में अगर प्रॉब्लम आ रखी है, तो आप भी चेंज करवा सकते हो। यही प्रॉब्लम आती है, कुछ और छिड़वाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना फ़ोन को छिड़वाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आती जाएगी। दोस्तों, मैंने इसकी जबकि इसके सेंसर भी चेंज करके देख लिया, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके अंदर आपकी फेस आईडी बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रखी है, या फिर आपका कोई भी फ़ोन अगर आप मुझसे रिपेयर करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करें। और कोई भी मुझसे आप पूछना चाहते हो या बात करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। और आईफोन 12 पर मैंने 3 वीडियो बनाई है, जाके डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, वीडियो को देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और शेयर। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।